यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जापान का एक ऐसा गांव है जो श्रापित कहा जाता है, जहां से प्रेत आत्माओं की डरावनी आवाजें आती है। वहां पर कोई इंसान अगर चला जाता है तो कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं आता। इस गांव में जितनी भी घटनाएं घटी है, जिसकी जापान में कई अखबारों में खबरें छपी है, लेकिन इस गांव को ढूंढना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जापान के किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं है। 1999 का समय था। जापान की एक टेली नेटवर्किंग कंपनी को एक अननोन लेटर मिला। ये लेटर किसने भेजा था, भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं था। इस लेटर का टाइटल था द विलेज इन जापान इज नॉट अ पार्ट ऑफ जापान, मतलब जापान का गांव वह जापान का हिस्सा नहीं है। और इसमें उस रहस्यमय गांव का नाम मेंशन था। गांव का नाम था इनुनाकी, और इसमें लिखा था कि लोग इस गांव तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेटर में उस गांव के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन बहुत ही सोचने वाली बात यह थी कि इस लेटर को बहुत ही पुरानी जैपनीज भाषा में लिखा गया था। आखिर कौन था वो इंसान जो चाहता था कि बाकी दुनिया के लोग इस गांव को जाने और इस रहस्य का पर्दाफाश करे। जापान का एक काफी फेमस या कहे बदनाम टनल, जिसका नाम है इनुनाकी टनल। पहले इसको द हैवलिंग टनल कहा जाता था। यहाँ से रात के समय कुत्तों के रोने की आवाजें आती थी, अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती थी, इसलिए लोग उस टनल का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसको श्रापित माना जाता था। लेकिन इसी टनल के अंदर से उस रहस्यमय गांव का रास्ता जाता है। जब इस टनल के अंदर जाते हैं, तब एक छोटा सा गुप्त रास्ता जाता है, और वो रास्ता इतना गुप्त है कि हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन आप इसको ढूंढ लेते हो और इसके अंदर दाखिल होते हो। जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते हो, ये रास्ता और छोटा छोटा होता चला जाता है। ये एक सुरंग की तरह है। जब ये रास्ता खत्म होता है, तब आपको एक छोटा सा गांव मिलता है। इस गांव में कोई इंसान जाता है तो उसको लगता है कि वो किसी पुराने जमाने में चला गया है। यहाँ एकदम सब कुछ पुराने जैसा लगने लगता है, जैसे 100 या 200 साल पहले जैसा। लेकिन इस गांव के रास्ते में आपको एक साइन बोर्ड दिखता है, जिस पे साफ साफ जापानीज भाषा में लिखा होता है कि इस बोर्ड के आगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर आपके साथ यहाँ कोई भी घटना घट सकती है, तो जापानीज कानून आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है तुम खुद के दम पर आ सकते हो। जैसे ही आप इस बोर्ड को क्रॉस करते हो, इस गांव के सीमा के अंदर दाखिल होते हो, और उसके बाद आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। कहते हैं इस गांव में जो भी जाता है वो जिंदा वापस लौट कर कभी नहीं आता। उस इंसान के साथ क्या होता है, वो कहा जाता है, इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चला। लेकिन एक बात जो हर कोई जानता है, वो है कि इस गांव में रहने वाला हर शख्स बहुत पहले ही मर चुका है। यहाँ पर सिर्फ उनकी शैतानी आत्माएं रहती है, जो किसी भी बाहरी आदमी का दखल अपने गांव में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। जब आप गांव में एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पर एक कपल का कंकाल दिखाई देगा। ये कपल गलती से इस गांव में भटकता हुआ आया था, लेकिन उसके बाद वो वापस कभी नहीं गया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको तरह तरह के डेथ ट्रैप्स मिलेंगे। ये ट्रैप्स इतने खतरनाक है कि अगर आप इसके चंगुल में आ गए तो बच नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, अगर इस गांव में भूतिया आदमी रहते हैं, तो उनको ट्रैप लगाने की क्या जरूरत है, वो तो अपनी भूतिया ताकत से ऐसे ही मार सकते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अगर आप इन डेथ ट्रैप से बच सकते हो, तो आपको इस गांव में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो मर चुके हैं, और वो आपको भी मार कर अपने साथ मिला लेंगे। कहा जाता है कि उस गांव में जो जाने वाला रास्ता है, सुरंग है, वो टाइम पोर्टल है। जब आप उस बोर्ड को क्रॉस करते हो, तो आप समय यात्रा करते हो, मतलब टाइम ट्रैवल करते हो, भूतकाल में चले जाते हो। मतलब कुछ समय पहले यहाँ गांव एग्जिस्ट करता था। अगर आप उस गांव की लोकेशन को सर्च करोगे, तो वो गांव पानी के अंदर दिखेगा।
जहां पर जापानीज गवर्नमेंट ने एक डैम बनाया है। इसकी वजह से यह जगह पानी में डूब चुकी है। मगर आप उस टनल से जाते हो तो बराबर उस लोकेशन पर गांव मिलता है। और वाकई में काफी सदियों पहले यहां पर एक गांव हुआ करता था। उस समय जब हिंसक अपराधी लोग गांव से निकले जाते थे, वो यहां पर आकर रहते थे। ये लोग अपने इलाके में किसी को आने नहीं देते थे। कहा जाता है कि आज भी उन हिंसक लोगों की आत्माओं ने इस जगह पर कब्जा किया है। अगर आप इस जगह को गूगल मैप पर सर्च करोगे, यह आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भी पानी के अंदर मिलेगा। कई साल पहले यह जगह थी और तब भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। यह जगह इसीलिए खतरनाक नहीं थी कि वहां पर यह हिंसक लोग रहते थे, जिन्हें लोगों ने गांव से निकाल दिया था। इस जगह के श्रापित होने के पीछे एक वजह और भी है। प्राचीन लोक कथाओं की माने तो इस गांव के लोग शैतान की पूजा करने लगे थे, क्योंकि उनका ईश्वर पर से भरोसा उठ गया था। उसी कारण से इस गांव को श्रापित माना गया। जो भी इंसान इस गांव में आता था, यहां रहने वाले लोग उसकी बलि चढ़ा देते थे। कहा तो यह भी जाता है कि उस इंसान को खा भी लेते थे ये लोग। मॉडर्न टाइम में जापान के कई लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इसमें तो कई लोग उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए, और जो लोग उस जगह तक पहुंच गए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी और उनका कभी पता नहीं चला। और जो लोग इस जगह से जिंदा वापस आए, वो बाद में पागल हो गए। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। या वो लोग ऐसी बातें बता रहे थे, आज के जमाने के लोग मान ही नहीं पा रहे थे। दोस्तों, ये जगह श्रापित होगी, लेकिन यहाँ पर जो इंसानों की मौत हो जाती है, इसके पीछे कुछ और ही वजह है। एक समय ऐसा था जब जापान में गैंगस्टर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, और ये लोग जब किसी का मर्डर करते थे, उसकी बॉडी को एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगा देते थे। और इनोना की टनल एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने इस जगह को सील कर दिया, मतलब टनल के अंदर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। अब करते हैं बात उन लोगों की। उनको तो पहले से ही मालूम था कि यह जगह श्रापित है, और ऊपर से पुलिस ने इसके अंदर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। फिर लोगों को यह लगा कि सरकार हमसे कुछ छुपाना चाहती है। इस टनल के अंदर वाकई कुछ ऐसी डरावनी जगह है जहां पुलिस नहीं चाहती कि आम इंसान जाए। यहां से यह डर लोगों में और बढ़ गया। लेकिन इस इनोना के गांव के बारे में एक काफी प्रचलित कहानी है। यह हमें बताती है एक अलग दुनिया और टाइम ट्रेवल के बारे में। और इतनी प्राचीन लोक कथाओं में इस तरह की मॉडर्न चीजों का होना कहीं ना कहीं हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में ये सारी चीजें पॉसिबल है, जिसके बारे में साइंस भी अभी तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया। क्या वाकई में आप समय यात्रा करके इस इनोना गांव में जा सकते हो? आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी डरावनी रहस्यमय वीडियो आपको मिलती रहे।